मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, फिर भी मैं सबको समझने के लिए मैं बता रहा हूँ बस, क्योंकि मैं बांग्लादेशी हूँ। अब्दुल लौथ है मार्केट में जो काम करना चाहता है, पाकिस्तानी, नेपाली, हिंदी, बांग्लादेशी, वो लोग जो मर्चेंडाइजर है वो लोग का सैलरी मिलता है, वो लोग का सैलरी मिलता है नेपाल का, नेपाल का जो मर्चेंडाइजर है वो लोगों का मिलता है 1300 रियाल मे बी, यस यू 1300 रियाल मिलता है। और जो इंडियन मर्चेंडाइजर है वो लोगों को मिलता है 1200, और पाकिस्तान मर्चेंडाइजर आई डोंट नो, क्योंकि अब तक वो लोगों के साथ मैं काम नहीं किया। मैं इधर ही काम करता हूँ मर्चेंडाइजर में, मैं बांग्लादेश से हूँ, तो बांग्लादेश का वो हिसाब अलग है, दूसरा हिसाब है। तो ये बस जो नेपाली है बोलूँगा 1300 रियाल मिलता है अभी नया जो आएगा मर्चेंडाइजर में, और इंडिया से जो आएगा वो लोग मिलता है 1200, और जो ऑपरेटर है वो लोग तो 1400 दे रहा है, इंडिया से 1400 आता है और पाकिस्तान से 1700 अभी आ रहा है। तो ऐसा ही है, कुछ काम ऐसा है जो एक होता है जो क्लीनर, एक होता है बेगार, और एक है मर्चेंडाइजर सेल्समैन ऑपरेटर। ये बाहर से लेके आता है, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान से, नेपाल से लेके आता है ये लोग। तो जो लोग आता है बेगार क्लीनर, ये लोग का सैलरी तो ऐसे ही कम है, 1900 1100 ऐसा। और वो लोगों का काम होता है जो बेगार है, वो लोगों का काम होता है जो मार्केट का जो सामान है वो कीस करना होता है, वो जो सामान खरीद करता है लोग वो सामान बस कीस कर देता है और गाड़ी का अंदर गाड़ी में उठा देता है। और जो क्लीनर है वो क्लीन करता है, और मर्चेंडाइजर जो लोग है वो लोग करता है, डिस्प्ले करता है, जो सामान कम हो जाता है वो सामान डाल देता है। और आप सेल्समैन का जो काम है वो चीज़ वगैरह जो है वो खुदा है उसमें काम करता है, इसको सेल्समैन बोलता है इधर। और मर्चेंडाइजर का जो काम होता है जो बकाला दुकान में जो सामान है चिप्स बिस्किट ये डिस्प्ले करता है। ऑपरेटर काम तो कंप्यूटर एक बैठ के काम करेगा, उसके साथ काम सही है। हाँ, सब मिला के ऐसा ही होता है इधर काम, जो आप देख रहे हो मेरा पीछे इस मार्केट में मैं काम करता हूँ। तो मैं चार पाँच साल से मैं काम कर रहा हूँ, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं बताया आज, क्योंकि मेरा एक भाई बोला था एक वीडियो बनाओ, ये इंफॉर्मेशन दो, इसलिए मैं बनाया हूँ आज। और मेरा हिंदी अभी फिर से बोल रहा हूँ, मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, फिर भी मैं बना रहा हूँ क्योंकि सब लोग समझेगा, नेपाली जो भाई है, पाकिस्तानी जो भाई है, इसलिए बना रहा हूँ मैं। तो ये है मेरा मार्केट, और मार्केट में जो मार्केट पांडा, अब पांडा में भी आओगे तो सेम हिसाब होता है। पांडा में आपको इधर और एक हिसाब है कि इधर आपको छुट्टी मिल जाता है हफ्ते में एक छुट्टी मिलता है इधर इस मार्केट में। उधर में सैलरी कम है उस दूसरा मार्केट के हिसाब से, जो यूनिवर्सल है, जो पांडा है, लुलू है, उधर आपको छुट्टी नहीं मिलता है शायद, छुट्टी नहीं मिलता है, और इधर छुट्टी देता है, इधर सैलरी थोड़ा ज़्यादा देता है, क्योंकि उधर ड्यूटी भी ज़्यादा है, इधर 10 घंटा ड्यूटी है। आपको दिन में काम करोगे तो 7 से 5 तक करना पड़ेगा, और रात में आपका उधर मार्केट के हिसाब से होता है। और जो यूनिवर्सल है, लुलू, पांडा और जो भी है नेस्टो, उधर आपको 12 घंटा काम करना पड़ेगा, मे बी 12 घंटा काम, और सैलरी भी ज़्यादा मिलता है इधर से। इधर जो मौसम की सैलरी मिलता है 1200, और अब पांडा में जाओगे, लुलू में जाओगे, यूनिवर्सल में जाओगे, उधर आपको मिलेगा 1800 1900 1600 ऐसा। तो ऐसा ही है, सब मिला के ऐसा ही, आपका जिधर मर्जी है उधर आओ, देख के आओ अच्छा से। आपको अगर आपको मिल लगता है कि नहीं हमको इधर छुट्टी नहीं चाहिए, तो आप पांडा में देखो, उधर अच्छा सैलरी मिलता है, लुलू में देखो अच्छा सैलरी मिलता है। अगर आपको छुट्टी चाहिए कि नहीं हमको रेस्ट करना है हफ्ते में एक दिन, तो आप यूथम में देखो, यूथम में आ जाओ, सैलरी कम है, आराम मिलेगा, 10 घंटे काम है, और हफ्ते में एक छुट्टी देता है। ईद में जो ईद है, ईद में 4-4-8 छुट्टी मिलता है 2 ईद में। तो यही है इस इधर का हिसाब, जो यूथ में उसका हिसाब ऐसा यही है। तो 2 ईद में 4-4-8 छुट्टी, और साल भर एक साल में आपको मिलेगा, आपको टिकट जो घर नहीं जाओगे एक साल में, तो जितना छुट्टी जमा होगा आपका सारे मिल जाएगा। एक साल में आपका लगभग ईद का छुट्टी नहीं लोगे तो 30 मिल जाएगा छुट्टी,
और उसका साथ आपको देगा एक प्लेन का टिकट देगा एक, आप घर नहीं जाओगे तो एक महीने का सैलरी, बेसिक सैलरी और एक टिकट का पैसा हर साल मिलेगा, और छुट्टी जाओगे तो एक टिकट मिलेगा। तो ऐसे होता हुआ था भाई साहब, मैं तो लिया हूँ एक बार बस। शुक्रिया, धन्यवाद।